हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल। पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष आर्य फिर आज आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। जो हमारा प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज है वो प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लीज आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डायरेक्टली उसे प्रैक्टिस सेट को दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहता है वो कंटिन्यू चलता है। तो आज का जो हमारा डेली का जो मोस्ट जो टॉप 40 क्वेश्चन रहता है वही मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, पीसीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर दें। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज अगर आपका अगर टेस्ट में अगर मार्क्स अगर अच्छा है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आप हर एक प्रैक्टिस में आपको मिलते हैं 5 सेकेंड का टाइम, तो टाइमर के साथ टेस्ट देने का मजा ही कुछ अलग रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए जोसेफ प्रिस्टले, बी आर्यभट्ट, सी मैडम क्यूरी, डी हेनरी बेकुडल। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेनरी बेकुरल। मींस क्या, जो रेडियो एक्टिविटी के जो खोज किए थे वो हेनरी बेकुरल ने किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। ऑप्शन ए रॉन्टजन, बी रॉबर्ट हुक, सी जोसेफ लिस्टर, डी जोसेफ पिस्टले। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोसेफ लिस्टर। जो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात दिए थे वो जोसेफ लिस्टर ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए चंद्रशेखर, बी सीवी रमन, सी होमी जागीर भाभा, डी हरगोविंद खुराना। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होमी जागीर भाभा। 1948 में जो गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो होमी जागीर भाभा थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर कि ई बराबर MC² का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी गैलीलियो, डी चार्ल्स डार्विन। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन। मींस क्या, जो ई बराबर MC² जो फॉर्मूला दिए थे वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर कि सापेक्षिकता का सिद्धांत दिए थे। ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, बी डार्विन ने, सी डाल्टन ने, डी कैवेंडिश ने। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आइंस्टीन ने। सापेक्षिकता का जो सिद्धांत दिए थे वो किसने दिए थे, तो आइंस्टीन ने दिए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th नंबर कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बेंगलोर, बी अहमदाबाद, सी त्रिवेंद्रम, डी दिल्ली। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलुरु, बेंगलोर। मींस क्या, जो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो बेंगलुरु, जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो मतलब उसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, तो बेंगलुरु है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे अगर आप नए होंगे या फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो प्लीज़ आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को दबाना तो भूले ही नहीं, कि जो भी आपको लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th नंबर कि चंद्रशेखर वेंटक्रमन ने को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ऑप्शन ए 1933, बी 1930, सी 1830, डी 1998। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1930। चंद्रशेखर जो वेंटक रमन जी हैं उनको नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th नंबर कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी आइंस्टीन, सी डाल्टन, डी चैडविक। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड।
हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि रदरफोर्ड। परमाणु के जो नाभिक के जो खोज किए थे वो किसने किए थे, तो रदरफोर्ड से ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, ऑप्शन ए रमन सीमा, बी चंद्रशेखर सीमा, सी मेघनाद शाह सीमा और डी रदरफोर्ड सीमा। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रशेखर सीमा, मींस के जो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, तो चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस, बी आर्यभट्ट, सी वेंकट रामन, डी हरगोविंद खुराना। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जगदीश चंद्र बोस, मींस क्या जो कैस्कोग्राफ नामक जो यंत्र के जो खोज किए थे वो किसने किए थे, तो जगदीश चंद्र बोस जी ने किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को लग रहा हो कि 5 सेकंड का टाइम मिलता है, तो 5 सेकंड का टाइम मैं इसलिए आप लोगों को देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि आपके एग्जाम में इससे भी फास्ट आप क्या कर सकते हो ना, कि क्वेश्चन को बना सकते हो। मींस क्या जो भी हमारा क्वेश्चन रहता है वो मतलब क्या जितने फास्ट जीके जीएस को जो टॉपिक रहता है वो सबसे ईजी रहता है, जो जल्दी बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसे 5 सेकंड का मैं इसीलिए टाइम देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, ऑप्शन ए बीरबल सैनी, बी सलीम अली, सी सतीश धवन, डी मेघनाद साहा। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेघनाद साहा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की जो अनुपम कृति है वो मेघनाद साहा की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर चेचक के टीके की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर, बी विलियम हार्वे, सी एडवर्ड जेनर, डी जोसेफ प्रिसले। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडवर्ड जेनर, मींस चेचक के जो टीके के जो खोज किए थे वो किसने किए थे, तो एडवर्ड जेनर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी रॉबर्ट हुक, सी चार्ल्स डार्विन, डी गैलीलियो। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी ने बताए थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। किसने बताया, तो आर्यभट्ट ने बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, बी न्यूटन, सी रदरफोर्ड, डी आइंस्टीन। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसने किए थे, तो जेम्स चैडविक ने किए थे। ठीक है दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ऑप्शन ए जॉन मेंडल, बी जॉन डाल्टन, सी कॉपरनिकस, डी रदरफोर्ड। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉन डाल्टन। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे वो जॉन डाल्टन ने किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है, ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी रदरफोर्ड, सी मैडम क्यूरी, डी जेम्स चैडविक। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए 20 फरवरी, बी 28 फरवरी, सी 31 मार्च, डी 28 फरवरी। ठीक है दोस्तों, सॉरी 28 जनवरी था, एक 28 फरवरी है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 28 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा किसने था, किस खोज किसने की, ऑप्शन ए नील बोहर, बी ग्रेगरी मेंडल, सी हेनरी कैवेंडिश, डी हेनरी बेकुरल। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड।
हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन के को तत्व के रूप में जो खोजे थे वो हेनरी कैवेंडिश ने खोजे थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, बी जोसेफ एस्पिरिन, सी एडवर्ड जेनर, डी लैंडस्टीनर। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम हार्वे। रक्त परिवहन की जो खोज किए थे वो विलियम हार्वे ने किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, बी डब्ल्यू सी रॉन्टजन, सी आर्यभट्ट, डी हरगोविंद खुराना। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डब्ल्यू सी रॉन्टजन। एक्सरे की खोज किसने किए थे? तो डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कॉपरनिकस, डी हेनरी बेकरल। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैलीलियो। गति के जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किए थे। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन है, कि गति के नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी रदरफोर्ड, डी चार्ल्स डार्विन। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन। जो गति के जो नियम जो दिए थे वो किसने दिए थे? तो न्यूटन साहब ने दिए थे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगी गति के जड़त्व का नियम किसने दिया, तो गैलीलियो ने दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, कि भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए होमी जागीर बाबा, बी बिरबल सानी, सी डॉक्टर सलीम अली, डी मेघनाथ साहा। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को ही भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, के अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? ऑप्शन ए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बी डॉक्टर सलीम अली, सी सीवी रमन, डी हरगोविंद खुराना। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरगोविंद खुराना। अनुवांशिकी कोड के जो खोज किए थे वो हरगोविंद खुराना जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, बी चार्ल्स डार्विन ने, सी ग्रेगरी मेंडल ने, डी गैलीलियो ने। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैलीलियो ने। टेलीस्कोप का जो निर्माण किए थे वो गैलीलियो साहब ने किए थे। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन है, कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, बी सीडी डुबे, सी जॉन डाल्टन, डी ग्रेगरी मेंडल। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीडी डुबे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो सीवी डुबे ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर, कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए डार्विन, बी लैमार्क, सी डी ब्राइज, डी मेंडल। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डार्विन। मींस जो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिए थे वो डार्विन साहब ने दिए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी रॉबर्ट गॉस, सी पुरकिंजे, डी तुलांसन। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुलांस। लाइकेन के जो खोज किए थे वो किसने किए थे? तो तुलांस ने किए थे। ठीक है दोस्तों, हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ऑप्शन ए लुइस पाश्चर, बी लिवेनहॉक, सी एडवर्ड जेनर, डी जॉन साल्क। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड।
हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ल्यूवेनहॉक। सर्वप्रथम जीवाणु का जो पता लगाए थे वो किसने लगाए थे, तो ल्यूवेनहॉक ने लगाए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर की पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी अलेक्जेंडर ग्राम बेल, सी एडवर्ड जेनर, डी लुइस पाश्चर। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मींस क्या जो पेनिसिलिन के जो खोज किए थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, बी चार्ल्स डार्विन, सी एडवर्ड जेनर, डी रॉबर्ट ब्राउन। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का जो प्रयोग किए थे सर्वप्रथम वो किसने किए थे, तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक, बी बैटिंग एवं बेस्ट, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी रॉबर्ट हुक। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैटिंग एवं बेस्ट, मींस जो इंसुलिन के जो खोज किए थे वो किसने किए थे, तो बैटिंग एवं बेस्ट ने किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कि गामा किरण की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए लोकियर, बी रदरफोर्ड, सी गोल्डस्टीन, डी पॉल विलार्ड। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पॉल विलार्ड। गामा किरण की जो खोज किए थे तो वो पॉल विलार्ड ने किए थे। ठीक है दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, बी लुइस पाश्चर, सी अलेक्जेंडर, डी गोल्डस्टीन। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लुइस पाश्चर। रेबीज के जो टीके के जो खोज किए थे वो किसने किए थे, तो लुइस पाश्चर ने किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन जिसको बोलते हैं का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी रदरफोर्ड, सी चार्ल्स डार्विन, सी डी रॉबर्ट हुक। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वरण का नियम के जो प्रतिपादित किए थे वो किसने किए थे, तो चार्ल्स डार्विन ने किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी हेनरी कैवेंडिश, सी अल्फ्रेड नोबेल, डी सीले और प्रिस्टले। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीले और प्रिस्टले, मींस क्या जो ऑक्सीजन के जो खोज किए थे वो सीले एवं प्रिस्टले ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, ऑप्शन ए एडिशन, बी न्यूटन, सी फैराडे, डी गैलीलियो। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियमों के जो आविष्कारक थे वो कौन थे, तो न्यूटन साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि रेडियम की खोज किसने की थी, ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, बी अलेक्जेंडर, सी न्यूटन, डी जोसेफ प्रिस्टले। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैडम क्यूरी। रेडियम की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर कि कैथोड किरणों का पता सर्वप्रथम किसने किया, ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, बी जे थॉमसन, सी ग्राम बेल और डी रदरफोर्ड। ठीक है दोस्तों, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड।
हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जे थॉमसन। कैथोड किरणों का पता सर्वप्रथम किसने लगाए थे? तो जे थॉमसन सामने लगाए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ प्रैक्टिस मोस्ट 40 क्वेश्चन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये कि ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जे थॉमसन, बी डरविन, सी रॉबर्ट गॉस, डी डेविड वॉरेन। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डेविड वॉरेन। मींस क्या, ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का जो आविष्कार किए थे वो डेविड वॉरेन ने किए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा जो मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था वो यहीं पे समाप्त होता है। और आपका क्या स्कोर आया वो प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे अपने अगर इसको फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मिलते हैं कल फिर एक नया प्रैक्टिस के साथ, बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ। तो चलते हैं दोस्त, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।